बिहार विधान परिषद चुनाव जीतने वाले 24 नवनिर्वाचित विधान पार्षदों को सोमवार को पद की शपथ दिलाई गई। विधान परिषद सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्पीकर अवधेश नारायण सिंह की उपस्थिति में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान एनडीए के 13, राजद के 6, 4 निर्दलीय और कांग्रेस पार्टी के 1 एमएलसी ने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार के मंत्री, विधायक समेत विधान पार्षद भी मौजूद थे। सभापति और सीएम नीतीश कुमार के आने के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू किया गया। इसके बाद 6-6 की संख्या में एमएलसी को शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी एमएलसी को बधाई दी। इसके साथ ही सरकार में अफसरशाही के हावी होने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि सरकार में अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं, अधिकारी हावी हैं। खास बात यह है कि निर्दलीय चुनाव जीतकर आए एमएलसी सच्चिदानंद राय पर सभी की नजरें टिकी है। दावा किया जाता है कि सच्चिदानंद राय बीजेपी में जा सकते हैं, हालांकि अभी तक इस बारे में सच्चिदानंद राय की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।